महंगे उपहार लेकर दवा लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ जी बिजनेस लगातार आवाज उठाता रहा है और शुक्रवार को इस मुद्दे पर बैठक भी हुई है। और इसी मुद्दे पर कल हमारे प्राइम टाइम शो इंडिया 360 डिग्री में हमने विस्तार से चर्चा की और फार्मा इंडस्ट्री की इस प्रैक्टिस पर कई सवाल उठाए। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि कई बार डॉक्टर्स मरीजों को वो भी दवा लिख देते हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं होती, कई बार ऐसे टेस्ट लिख देते हैं जिन टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि डॉक्टर्स कई बार महंगी दवाइयां लिखते हैं क्योंकि उन्हें फार्मा कंपनियों की तरफ से उनका नाम प्रिस्क्राइब करने के फ्री गिफ्ट मिले हुए होते हैं। इस तरह से सिस्टम को और लीक प्रूफ, फूल प्रूफ बनाया जाए ताकि इस तरह के गिफ्ट देकर या फिर किसी भी तरीके का एडवांटेज लेकर डॉक्टर से ये प्रिस्क्रिप्शन न लिखवाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। जो आज जवाब दिया है कंपनीज ने कि हम साहब कुछ फ्रीबीज नहीं दे रहे, किसी को कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दे रहे, हम तो बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अलाउड है, ऐसा होता है सर क्या? नहीं, ये तो सरासर झूठ है। मैं खुद इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा रहा हूँ और मैंने हर तरह की चीजें देखी हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है आपके पास, एडवाइजरीज बहुत सारी हैं आपके पास, आपके पास सलाह सुझाव। गुलाटी सर, इससे अब काम नहीं चलेगा, एक रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके पीछे बाकायदा कानूनी बैकअप होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी लीगली फिक्स हो। और सिर्फ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की जो डिसेमिनेशन है वो अलाउ की जाए, तो ये गवर्नमेंट को शायद इंटरवीन अप करने का समय आ गया है जहां पे उनको कानून लाना पड़े, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन जो है, इंडस्ट्री कुछ भी कहे, बस सच्ची बात यह है कि सेल्फ रेगुलेशन 100% तो नहीं चल रही। बिल्कुल, में सारी पावर डॉक्टर के पेन पे है। जो ब्रांड डॉक्टर लिखता है वो ब्रांड केमिस्ट को देना पड़ता है। अब कंपनियां जो हैं अपना ब्रांड लिखवाने के लिए जो करती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस तरफ कंपनियां खर्चा करती हैं अपना ब्रांड लिखवाने के लिए, लेकिन जो कंपनियां डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं वो अपना ब्रांड कैसे बेचें? तो वो सारा मार्जिन उठा के डॉक्टर को देने की बजाय वो केमिस्ट को दे देती हैं। तो दवाइयों के प्राइसेस कम करने चाहिए और मार्जिन कम करने चाहिए और डॉक्टरों पे फ्री गिफ्ट का खर्चा भी कम करना चाहिए। तो हर चीज घूम फिर के आ रही है एक आम उपभोक्ता पे और उपभोक्ताओं के संरक्षण की जिम्मेदारी है सरकार की। अब सरकार इसे अभी सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए आगे बढ़ाए या फिर एक बढ़िया लीगल फ्रेमवर्क लेकर आए, ये हम सरकार पर छोड़ते हैं और बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस बात को हम सरकार तक छोड़ते हैं।